तीसरा वेतन समझौता शीघ्र लागू किए जाने, BSNL को 4G स्पेक्ट्रम शीघ्र आवंटित किए जाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के सदस्यों ने बुधवार को महाप्रबंधक दूर संचार कार्यालय से एक रैली निकाली, जो शास्त्री चौक, कचहरी चौक, अंबेडकर चौक होते हुए ऑफिस पहुंचा। रैली के माध्यम से BSNL यूनियन के सदस्य अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। रैली का नेतृत्व कर रहे संगठन के जिला सचिव नित्यानंद मिश्रा ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन के सदस्य सड़कों पर उतरे हैं। अगर इस पर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, उन्होंने कहा। ये हमारा पे कमीशन का मैटर चल रहा है। 1/1/2017 से हम लोगों को पे कमीशन मिलना है, कर्मचारियों और अधिकारियों को पे कमीशन मिलना है, और हमारे जो पेंशनर साथी हैं उनका पेंशन रिवीजन होना है। और 4G स्पेक्ट्रम के लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको पीछे धकेल रही है। तमाम प्राइवेट कंपनियों को 4G की सुविधा देने के लिए वो मिल गया, लेकिन हमको 4G के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग संसद से लेकर सदन तक आज रोड पे भी हम लोगों को उतरने की जरूरत पड़ गई है कि हम पब्लिक में ये जागरूकता लाएंगे कि BSNL का 4G स्पेक्ट्रम न देकर के सरकार हमको पीछे कर रही है, और तमाम रिलायंस जियो जैसी कंपनी को आगे बढ़ावा दे रही है। ये सरकार की गलत नीति के विरोध में हम आज सड़क पे उतरे हैं। हम अभी तक धरने का कार्यक्रम किए, लेकिन धरने से नहीं इनको समझ में आया, तो आज हम सड़क पे उतरे हैं और हम आगे हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। और अगर जो इसके बाद भी पूरे देश भर में ये आज का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद भी अगर जो सरकार नहीं चेती, तो हम आने वाले समय में हड़ताल की रणनीति बना चुके हैं। डेट डिसाइड करना है, डेट डिसाइड करके हम हड़ताल भी करने के लिए बात होंगे।